भाई 160 का टारगेट है, 20 ओवर है और इस पिच के और इस ग्राउंड के हिसाब से ये चेजेबल नहीं है, ठीक है। बॉलर्स भी बहुत है हमारे पास, स्पिनर्स की हल्की रहेगी, टर्न भी हो रही है और नीची नीची भी रहेगी अभी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज दोस्तों मैं मैच खेलने जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना हमारा आज सेकंड वीलॉग शूट कर लिया जाए। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैच से पहले क्या मेरी प्रिपरेशंस रहती है और मैच में क्या रहता है, हम जीतते हैं हारते हैं। वैसे तो प्रैक्टिस मैच है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम अपना 100% देंगे। और उसके बाद कैसे मैं कूल डाउन करता हूँ, कैसे क्या चीज, आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है वीलॉग के थ्रू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, जिस चीज ने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर देना। अब हम सीधा मैच की तरफ चलते हैं क्योंकि दोस्तों हम हो रहे हैं लेट। आप देख सकते हैं 6:25 हो चुके हैं, ये 15 मिनट आगे है, तो इसलिए मतलब मान लीजिए 6:10 के आसपास हो चुके हैं और हमें 6:30 पहुंचना है। तो दोस्तों हम ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं और आप आज का ग्राउंड देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो वहां से थोड़ी सी अभी धूप निकलेगी। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं कि आपकी जो भी पिच होती है वो नॉर्थ टू साउथ ही बनाई जाती है, क्योंकि जब सन यहां से निकलता है ये बैट्समैन की आंखों में नहीं आनी चाहिए, बॉलर्स की भी आंखों में, तो ये सन ऐसे जाता है और पिच इसीलिए नॉर्थ टू साउथ बनाई जाती है। ये आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा बट मैंने बता दिया आज। तो आज की पिच ऐसी है, कुछ आप बताइए नीचे कमेंट में, हमें बैटिंग लेनी चाहिए थी या बॉलिंग। और हमारे में से 11 प्लेयर तो पूरे हो गए थे बट 2-3 प्लेयर अभी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। आपके भी काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उनका नाम। अभी भैया टॉस जीत चुके हैं, अभी देखते हैं क्या डिसाइड करके बताते हैं। चलो लेट्स। भैया ने टॉस जीत के बॉलिंग ली है, हमारी बैटिंग आई है, मैं ले लेता हूँ। तो अभी हम पहले बैटिंग करेंगे फिर आपको बताते हैं क्या हमने स्कोर बनाया, उसके बाद थोड़ा बीच बीच में बात भी करता रहूँगा, बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो क्रिकेटर्स मैंने पैड कर लिए हैं, आप देख ही सकते हैं। अब हमारी एक विकेट गिर चुकी है फर्स्ट ही ओवर में। शौर्य सिन्हा हमारे फर्स्ट डाउन बैट्समैन है, मैं सेकंड डाउन हूँ। अब देखते हैं क्या चलता है, कैसे क्या जाता है मैच, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों मैं आपको स्कोर अपडेट दे देता हूँ, अभी 3 ओवर में हमारे 28 रन हो चुके हैं और एक ही विकेट गिरी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये शौर्य सिन्हा है और ये अथर्व है, दोनों बैटिंग कर रहे हैं, ये ओपनिंग पे गए थे, वन डाउन पे गए थे। आपका भाई अभी 2 डाउन जाएगा, बाकी देखते हैं, अभी थोड़ी नॉकिंग की है। 6 ओवर हो चुके हैं दोस्तों और हमारे स्कोर है 49 रन, वही दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया खेल रहा था। ड्राइव पे ड्राइव, एक शॉट आपको दिखा देते हैं कैसा क्या चल रहा है। शॉट है लड़के, निकल गया निकल गया निकल गया जब, ओए यार।
देखते हैं अभी कितना क्या स्कोर बनता है हमारा। 20 ओवर में चार बार ही बुला लिया भाई, कसम से भाई, हर ओवर में बुला रहा है। कहाँ लगी है एकदम लगे रहना दोनों ठीक है, पानी ना दूं। कितना ओवर है? 6-7 अभी तो ओवर ही ओवर है, टेंशन की जगह आगे 10 के बाद छोटी साइड भी आएगी। दिखाना है लंबा चौड़ा आदमी, गाइस 10 ओवर में 92 रन्स है, अभी ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, 10 ओवर के बाद मिलते हैं आपको। हमारी इनिंग्स खत्म हो चुकी है, हमने 20 ओवर में 159 रन्स बनाए, तो दूसरी टीम को 160 का टारगेट है 120 बॉल्स में। तो आप नीचे कमेंट करके अभी प्रेडिक्ट कर लेना, आगे की वीडियो बाद में देखना, पहले प्रेडिक्ट करो कि हम ये मैच जीते हैं या फिर हारे हैं। मैंने कुछ 51 रन स्कोर करे हैं 39 बॉल्स में, बाकी देखते हैं ये काम आते हैं या फिर नहीं। अब हम फटाफट से ये पैड उतार लेते हैं और विकेट कीपिंग पैड्स करते हैं और फिर चलते हैं अंदर फील्डिंग करने। भाई इधर सबसे अच्छा छक्का कौन सा लगा ये वाला? ये क्या नाम था तेरा? आशीष है, ये आशीष है, यस। तो और ये हमारे ग्राउंड के मैनेजर, ये तीनों ग्राउंड इन्हीं भैया के हैं, द्रोणा स्पोर्ट्स विलेज, रवि वियान का नाम है, ये देखो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, एचसीए खेल चुके हैं अपने टाइम में, ठीक है दोस्तों। 160 का टारगेट है, 20 ओवर हैं और इस पिच के और इस ग्राउंड के हिसाब से ये चेजेबल नहीं है, ठीक है। बॉलर्स भी बहुत है हमारे पास, स्पिनर्स की हल्की रहेगी, टर्न भी हो रही है और नीची नीची भी रह रही है बीच में, ठीक है। चला के चलेंगे, वैसे दो मीडियम पेसर है हमारे पास, दो दो ओवर अगर बढ़िया फेंकते हो स्टार्टिंग में तो दो दो ओवर है तुम्हारे, उसके बाद ऑफ स्पिनर लेग स्पिनर चेंज होता रहेगा, ठीक है। बढ़िया बोल के चलेंगे अपन सारे एकेडमी के फील्डर्स हैं, ठीक है। चौका पड़ जाएगा, तो क्रिकेटर्स अब इनिंग शुरू होने वाली है, विकेट कीपिंग का पहन लिया हमने सामान, अब देखते हैं 160 यहाँ पे चेज होंगे या फिर नहीं, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको पीछे रख देता हूँ, तो गाइस 10 ओवर में 77 रन चाहिए अभी दूसरी टीम को, इनके कितने विकेट गिरे हैं? दो विकेट गिर चुके हैं, 8 विकेट इनके हाथ में, लेट्स सी क्या होता है मैच को।
क्रिकेटर्स मैच बहुत ज्यादा टाइट मैच रहा आज का। दूसरी टीम हमारी जीत चुकी है, आपके भाई के 50 रन भी काम नहीं आए क्योंकि टीम का एफर्ट होता है दोस्तों। थोड़ी सी हमारी गलती हो गई थी फील्डिंग में भी रही, फील्डिंग में मतलब काफ़ी हमने कैचेस छोड़ी और मिसफील्ड भी काफ़ी हुई है, और सेकंड लास्ट बॉल पे वो मैच जीत गए। कोई नहीं, ये हमारे लिए सीख होएगी, हमारे जो भी प्लेयर्स थे हमारे साथ जो भी थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। देखो पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, कवर्स आ चुके हैं, वहाँ पे हम पीछे बैठे हुए हैं शेड के नीचे, और अपने जूते वूते निकाल लिए हैं, थोड़ा मतलब आराम मिल जाएगा पैरों को भी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप खेलो अगर आपके मतलब जो भी इक्विपमेंट सब गीले हो जाते हैं दोस्तों, उन्हें ऐसे सुखा दिया करो। इससे क्या होता है, इनके अंदर जो भी आपकी स्मेल रहती है या फिर जो गीले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं दोस्तों। वो धूप पड़ती है तो फिर सूख जाते हैं वो अच्छे से। तो ये क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं फटाफट से मैच जैसे ख़त्म होता है उसके बाद उन्हें पैक करके किट बैग में डाल के निकल जाते हैं। इसकी वजह से स्मेली हो जाते हैं और वो थोड़े से ख़राब भी होने लग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। और बाकी देखते हैं, अब मैच तो ख़त्म हो चुका, बहुत थक चुके हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, धूप तो इतनी आई नहीं है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा आई थी, हार्ड लग था। सीखेंगे इससे और आगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी देखते रहिए आप क्रिकेट कार्डियो को। अब तो दोस्तों अब मैं घर पहुंच चुका हूं, अब थोड़ा यार ये चेंज वेंज करेंगे, नहाएंगे और उसके बाद खाना वाना खाएंगे और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि शायद कल मेरा कल भी मैच है। तो देखते हैं, बाकी कल तो कॉर्पोरेट मैच है। आज का जो मैंने आपको मैच दिखाया वो एकेडमी और कॉर्पोरेट मिक्स था, पर T20 का फ्रेंडली मैच था। तो हम हार गए हैं, लास्ट ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल पर ही हारे हैं। तो बाकी देखते हैं इसमें से हमें क्या क्या आउटकम्स निकल के आते हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं। मैंने तो अपना बेस्ट दिया था दोस्तों, आपको भी बस ये करना है क्योंकि टीम गेम में क्या होता है, अगर हर एक बंदा ये सोचे कि हमें अपना बेस्ट करना है वही टीम जीतती है। तो ये बात को दिमाग में बिठा लेना दोस्तों, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपने प्रैक्टिस पे फोकस करना है, आपको मतलब जैसे बैटिंग कैसे करनी है, कीपिंग कैसे करनी है, आपको बस अपने ऊपर फोकस रखना है क्रिकेट में। ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी हो सकती है वीडियो। और बाकी आज का ये छोटा सा मैच का मैंने आज आपको वीलॉग दिखा दिया, वीलॉग या ब्लॉग, यार मुझे भी पता है ब्लॉग बोलते हैं, बट आप कमेंट करके बताओ यार कौन सा सूट करता है, वीलॉग या ब्लॉग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना या कमेंट करो अपने बेस्ट पार्ट मतलब बेस्ट शॉट कौन सा लगा आपको आज के मैच के ब्लॉग में, वीलॉग में। यार सब्सक्राइब कर दो, 100K की हम जर्नी शुरू कर चुके हैं, तो फटाफट से भाई को सपोर्ट दिखाते रहो, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। और अब मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग में, वीलॉग में। जय हिंद, नमस्कार।